वन विभाग बन्नी के DFO अश्विनी कुमार के जरिए निगरानी में रेंज ऑफिसर बन्नी नरेश शर्मा की अध्यक्षता में बन्नी के सरथल इलाके में मधुमक्खियां चोरी करने वाले एक गिरोह की साजिश को नाकाम बना दिया। आपको बता दें कि इस वक्त पहाड़ों पर हरियाली के साथ साथ कुदरती फूल खिले हैं और मधुमक्खियां इन फूलों को चाटकर शहद निकालती है। बन्नी में आए भद्रवा डोडा से एक गिरोह जो इन मधुमक्खियों को एक डिब्बे में बंद कर यहां से दूसरी जगह बेच देते थे। वन विभाग के अधिकारी रेंज ऑफिसर बन्नी नरेश शर्मा ने बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले एरिया में हजारों की तादाद में इन मधुमक्खियों के लिए डिब्बे लगाए गए थे और इस गिरोह ने इन मधुमक्खियों को डिब्बे में बंद करके यहाँ से दूसरी जगह इन मधुमक्खियों के बीज को बेच देना था। और बताया कि लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि इस गिरोह ने इस साल मधुमक्खियों की 60 से ज्यादा फैमिलियों को अभी तक डिब्बों में बंद करके बेच दिया है। इस कार्यवाही से साफ जाहिर होता है कि बन्नी में ये गिरोह किस तरह से सक्रिय है, जिसकी आज तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि मधुमक्खियों को बन्नी से डिब्बे में बंद करके चोरी किया जा रहा है। क्या ये गिरोह मधुमक्खियों के बीज को खत्म करने की साजिश कर रहा है? क्या ये सिलसिला इस कार्यवाही के बाद थमेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बन्नी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस साइड के हैं कुछ लोग जो है भद्रवा साइड के हैं, और ये भद्रवा साइड के जो लोग हैं ये बेसिकली कोई 30-40 लोगों का इनका गैंग है और ये कमर्शियल बेसिस के ऊपर इसका काम कर रहे हैं। ये इधर से हनी बीज को डिब्बे में कैप्चर करके ले जाते हैं और उधर 5,000 या 6,000 में वो डिब्बा पूरा बेच देते हैं, इंक्लूडिंग बीज। उससे जो है इस एरिया की एक तो पॉलिनेशन इफेक्ट होती है और साथ में इसका जो हमारी ट्रेडिशनल यहाँ पे बीज हैं इनका हैबिटेट शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये कई बार वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं करती। और अगर इनके सर्वाइव वहाँ करती भी हैं तो ये फिर परमानेंट जो वहाँ का रिवर है या वहाँ का जो है वो कोई नाला है ये उसको माइग्रेशन के लिए ये जो सीजनल माइग्रेट करती हैं ये गर्मी और सर्दी में अलग अलग उसमें तो ये किसी नाले के अलॉन्ग करती हैं, तो जब ये परमानेंट उधर चली जाती हैं फिर ये उसी नाले को या उसी स्ट्रीम को फॉलो करेंगी और ये इस एरिया को परमानेंट छोड़ देंगी। इसकी वजह से दो चीज़ें हो रही हैं प्रॉब्लम्स, एक तो जो है इस एरिया की पॉलिनेशन इफेक्ट हो रही है और दूसरा जो है इस एरिया की जो ये मधुमक्खियाँ हैं ये दूसरे एरिया में शिफ्ट होती जा रही हैं, इनका हैबिटेट चेंज हो रहा है। इसी सिलसिले में जब हम गए तो लगभग 1,000 के आसपास हमने पेटियाँ देखी, तो जो पेटियाँ हमें वहाँ पे मिली हमने उन पेटियों को कुछ को तो जो है वो ऑन स्पॉट हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जिन पेटियों के अंदर बीज थी, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ जो है वो इंसेक्ट है, तो उन पेटियों को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, ना उन पेटियों को हम वहाँ से उठा सकते थे क्योंकि जो है उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बीज वाली डिब्बे थे वो हमने वहीं के वहीं रहने दिए और जो खाली डिब्बे थे वो हमने सबको सारे कुछ उठा के हमने सीज कर लिए। अभी तक जो हमारी जानकारी है इस जानकारी के कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जो लोकल पूछताछ में हमें पता चला है तो अराउंड कोई 60-70 बीज की फैमिली जो हैं ऑलरेडी इन्होंने इस सीज़न में जो है भद्रवा पहुँचा दी हैं। तो अगर ये 1,000 इन्होंने बॉक्सेज और यहाँ पर लगा के रखे हैं तो उसमें से भी अगर मान लो कि 200 में भी और अगर बीज आती हैं तो ये इन्होंने 200 बॉक्सेज और शिफ्ट करने थे, तो अल्टीमेटली फिर तो ये जो है बीज इस एरिया में फिर कभी आएंगी नहीं, इस एरिया से बीज ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ऑफेंस है, तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो कुछ लोग हमें जो जिन लोगों को पता नहीं था कि ये सेंचुरी कन्वर्ट हो चुकी है उनको हमने जो है वो नोटिस भी दिया है, उनसे अंडरटेकिंग लिए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए हैं। तो विद इन जो है वो अब ये बेसिकली कंटिन्यूस हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, कल हमारे पास एक ही गाड़ी थी लोड करके। इसको रोकने के लिए सर आने वाले दिनों में किस तरह के इकदाम जो हैं आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? हाँ, एक तो मैंने स्टाफ को बोल के जो है ये लोग जो भद्रवा का रास्ता है यहाँ से भद्रवा लेके जा रहे थे वहाँ पे स्टाफ को बोल के वहाँ पे एक नाका रखवाया है कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में शिफ्ट करते हुए आपको मिलता है तो इमीडिएटली उसको पकड़ो और उसके ऊपर हम केस बुक करके तो लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे उसके ऊपर। इसके अलावा जो है जिन जो एरियाज़ कुछ हम कल कवर कर नहीं पाए हैं हम जो है एक दो दिन में फिर जो है उस एरिया में विजिट करके अगर कोई फ्रेश हमें कुछ ऐसा दिखता है या कुछ पुराना कोई ऐसा पड़ा है जो अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आया था तो हम जो खाली डिब्बे हैं हम उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस सिलसिले में जो है वो मैंने अपने DFO साहब से बात की है और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से भी रिक्वेस्ट करें कि जो है वो अपना वाइल्ड लाइफ का स्टाफ भी हमें दें और जो जिन डिब्बों के अंदर हनी बीज एग्जिस्टिंग हैं लग रही हैं अब उनका क्या करना है क्योंकि वो प्राइवेट पार्टीज़ के हैं, प्राइवेट लोगों के हैं, तो अगर हम उनको जो है वो जब्ती में डालते हैं तो उससे जो है वो इंसेक्ट को प्रॉब्लम होती है, तो
तो हम उनको फिर जो है वो कहाँ रखेंगे और उनकी भी सेफ्टी का इशू है इंसेक्ट का, तो जैसा वो ऊपर से हमें डायरेक्शन जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम जो अगली कार्रवाई करेंगे। होटल नटराज, नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं, तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 8082128244 पर।